हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ना हम लोग जा रहे हैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। मतलब कि यूएस में जो इंडियन स्टोर होता है ना, जो मतलब किराने की दुकान जो होती है ना, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। हमें कुछ इंडियन चीज़ें लेनी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं कि वहाँ पे कौन कौन सी इंडियन चीज़ें मिल जाती हैं। तो फिर चलिए चलते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या क्या मिल जाता है। ताकि क्या होता है ना कि जो लोग इंडिया से यहाँ पे यूएस में आने वाले होते हैं, तो वो लोग सोचते हैं ना कि वहाँ पे क्या क्या मतलब चीजें मिल जाती हैं, क्या नहीं मिलता है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, तो हम लोग जब आ रहे थे ना, तो हम सोच रहे थे कि वहाँ पे पता नहीं क्या क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, तो हम ये सोच रहे थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊं और दिखाऊं आप लोगों को। मतलब जो भी आने वाला होगा, तो उन्हें एक आइडिया लग जाएगा कि वहाँ यहाँ पे मतलब क्या क्या इंडियन चीजें मिल जाती हैं और उनके प्राइस क्या होते हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, फिर आप लोग को दिखाते हैं हम कि यहाँ पे क्या क्या मिल जाता है। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं मार्केट में, मतलब कि जो स्टोर है ना, हम वहाँ पे आ चुके हैं। और इसका नाम है पटेल ब्रदर, जो कि ऊपर पूरा बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। और यहाँ पे सामने देख सकते हैं आप कि यहाँ पे मैगी रखी हुई है, और ये सारे ना ये गुड़ रखे हुए हैं। यहाँ पे ये गुड़ दिख रहा है, गुड़ रखा हुआ है, इसको जागीर भी शायद बोलते हैं। तो और ये है कितने का, 6 डॉलर का, 6 डॉलर का, 11 LB, ऐसे ही कुछ दिया था। और यहाँ पे ये सारी सब्जियाँ लगी हुई है, मतलब ये तो हर जगह मिल जाता है, बट मैं इंडियन सब्जियाँ दिखाऊँ पहले आपको। तो ये है ना, ये तुरई बोलते हैं ना इसको, यहाँ पे ये लगी हुई है। और इसका प्राइस है 3 डॉलर, 3 डॉलर LB है। और 1 डॉलर, 1 डॉलर मतलब 81 रुपीज़, मतलब 81 रुपया आजकल चल रहा है, 81 पॉइंट समथिंग कुछ चल रहा है। तो 1 डॉलर मतलब 81 रुपया, और आप 3 डॉलर का कन्वर्ट कर सकते हैं कि रुपीज़ में कितना होगा। और यहाँ पे ये सारे ना योगर्ट रखे हुए हैं, मतलब दही यहाँ पे सारा रखा हुआ है, ये दही का सेक्शन है। और इसमें है ना फ्लेवर्ड, नॉन फ्लेवर्ड, प्लेन, मतलब ये सारे यहाँ पे योगर्ट रखे हुए हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये पनीर है, काफ़ी अच्छी होती है ये वाली पनीर, मैंने 2-3 तरह के ट्राई किए, सब मुझे अच्छा ही दिखा। तो यहाँ पे ये पनीर लगा हुआ है, और पनीर का भी प्राइस नीचे दिया हुआ है, 25 डॉलर। और ये छोटा वाला है, ये 14 ओज है, और 5.49 का डॉलर। तो और मैं दिखाऊँ, यहाँ पे ये सारी मिठाई लगी हुई है, कई तरह की मिठाइयाँ लगी हुई हैं। और मैं इसके प्राइस देख रही थी, मुझे दिखा नहीं इसका प्राइस, मिठाइयों के प्राइस, तो पता नहीं कितने का है ये, बट काउंटर पे जाके इसका पूछना पड़ेगा कितने का प्राइस, कितने का है ये, मतलब इनके प्राइस क्या हैं। बट यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जलेबी रखी हुई है, और क्या क्या बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, पता नहीं क्या कौन कौन सी मिठाइयाँ हैं, यहाँ पे बहुत तरह की मिठाई लगी हुई है। और मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे सारी कुकीज़, ये कुछ कुकीज़ का सेक्शन है यहाँ पे, सारे यहाँ पे बिस्किट वगैरह रखे हुए हैं, आप देख ही सकते हैं, मतलब हर तरह का बिस्किट है। और यहाँ पे ये रस्क रखा हुआ है, टोस्ट बोलते हैं ना, यहाँ पे रस्क है। और मतलब कि सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं मिलता है, आपको सब कुछ मिल जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे ये जो मैं जा रही हूँ ना, ये इधर भी ये कुकीज़ ही रखा हुआ है सब। और सामने यहाँ पे ये ना नमकीन का सेक्शन है, और यहाँ पे सब नमकीन लगी हुई है, हर तरह की नमकीन लगी हुई है, और सबके नीचे प्राइस भी दिए हुए हैं, 3 डॉलर देख रहा है ना, 2.99, मतलब 3 डॉलर, 3 डॉलर ऐसे सबके लगे हुए हैं। तो 3 डॉलर कितना होगा रुपीज़ में, आप सोच मतलब आप कन्वर्ट कर सकते हैं कितने का पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें तो महंगी पड़ जाती है, कुछ चीज़ें तो ठीक पड़ती है, मतलब ठीक ठाक, और बाकी बहुत सारी चीज़ें तो महंगी पड़ती है, क्योंकि हम भाई इंडिया से आए हैं, तो हम इंडिया रुपीज़ में ही सोचते हैं। और यहाँ पे देखो, ये 3 डॉलर का 400 ग्राम है ये नमकीन, तो मतलब कि आपको हर तरह की नमकीन, मतलब हर तरह की चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं जो नहीं मिलता है। और ये है ना, ये सारे खड़े मसाले यहाँ पे लगे हुए हैं, और पिसा हुआ भी है साइड में, और खड़े मसाले भी सब लगे हुए हैं यहाँ पे। ये सब पैकेट वाले मसाले हैं, मतलब हर कंपनी का मसाला यहाँ पे है, और सब आप देख ही सकते हो, पूरा लगा हुआ है सब।
तो ये सारे मसाले वाले सेक्शन है, यहाँ पे हर तरह का मसाला लगा हुआ है, मतलब ये सारे इंडियन मसाला है। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए ऐसे ही लाती रहूँ। ये देखो ये MDH का मसाला लगा हुआ है, जो कि मैं इसी को यूज करती हूँ, ये काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये सारे MDH के मसाले लगे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारा बर्तन लगा हुआ है, सब इंडियन बर्तन लगे हुए हैं, देख सकते हो आप, सब टंगा हुआ है, तवा है, क्या क्या है, मतलब सारे स्टील वाले बर्तन हैं, सारे इंडियन बर्तन हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, ये सब कुछ मैंने आपको दिखाई दिया है यहाँ पर क्या क्या मिलता है, बकेट है, सब बर्तन है, सब कुछ यहाँ पर है। तो आज की वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।